दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ टेक्नो स्पार्क गो 1 और टेक्नो स्पार्क गो 2024 इन दोनों फोन के बीच में कंपैरिजन, दोनों फोन में से कौन सा फ़ोन मैं परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों ये है टेक्नो का स्पार्क गो 1 जो कि अभी भी लॉन्च हुआ फ़ोन है और ये है टेक्नो का प्रीमियम प्रोडक्ट टेक्नो स्पार्क गो 2024 जो कि इसका जो सीरीज है दोस्तों 2020, 21, 22, 23, 24 वो सारे फ़ोन जो है वो काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी अच्छे बिके हैं और इस बार टेक्नो ने कुछ नया इस्तेमाल किया है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेस्ट है और दोनों फ़ोन का जो वैल्यू है वो कैसा है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए इन दोनों फ़ोन की डिटेल्स को जानते हैं। तो दोस्तों बात करूँ इस नए वाले फ़ोन की तो फिर ये तो अपने आईफोन 15 जैसे ही दिख रहा है। यहाँ पर टेक्नो स्पार्क लिखा हुआ है। इन दोनों का जो कैमरा है वो कुछ यूनिक है। टेक्नो ने इस बार आईफोन 15 को हुबहू कॉपी किया है। यहाँ पर फ्लैश लाइट दिया गया है। पीछे का जो पैनल है वो प्लास्टिक का है। यहाँ पर साइड फिंगरप्रिंट मिलता है। ऊपर वॉल्यूम अप डाउन बटन मिल जा रहा है। नीचे में यहाँ पर स्पीकर, चार्जिंग स्विच, माइक्रोफोन और यहाँ पर 3.5mm जैक भी दिया गया है। यहाँ पर मिलता है सिम इंजेक्टर ट्रे। ऊपर में एक और स्पीकर मिलता है इसमें। और दोस्तों यहाँ पर स्पार्क 2024 को अगर हम देखें तो फिर इसमें हमें आईफोन 15 प्रो का लुक देखने को मिलता है। यहाँ पर सिर्फ टेक्नो ही लिखा हुआ है और यहाँ पर दो कैमरा तो इधर है ही और इसको तीसरा कैमरे के रूप में फ्लैश लाइट्स में दिया गया है। पीछे का पैनल प्लास्टिक का है। साइड फिंगर पर मिलता है। वॉल्यूम डाउन बटन यहाँ पर दिया गया है। नीचे में स्पीकर, चार्जिंग स्विच, माइक्रोफोन, 3.5mm जैक यहाँ पर दिया गया है और ये है सिम इंजेक्टर ट्रे। ऊपर में यहाँ पर एक और स्पीकर मिल, लगभग दोनों का जो बॉडी शेप है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर दोनों का साइड फिंगर है, वॉल्यूम डाउन बटन है, स्पीकर, चार्जिंग, माइक्रोफोन और ईयरफोन का कनेक्शन का यहाँ पर ऊपर में भी यहाँ पर सेम जगह पर हमें देखने को मिलता है इसका स्पीकर। और अगर हम साइड में देखें तो फिर दोनों फोन का सिम ट्रे एक ही जगह पर लगा हुआ है, यानी कि बॉडी ओवरऑल सेम है, डिजाइन में थोड़ा सा ही फ़र्क किया गया है। वैसे बात करें दोनों फोन के डायमेंशन की तो फिर इस फोन का जो इसकी जो ऊंचाई है वह 165.6mm, इसकी जो चौड़ाई है वह 77mm, इसकी जो मोटाई है वह है 8.3mm और इस फोन में हमें IP54 की रेटिंग मिल जाती है। वहीं पर अगर हम स्पार्क 2024 को देखें इसकी जो ऊंचाई है वह है 163.7mm, इसकी जो चौड़ाई है वह 75.6mm, इसकी जो मोटाई है वह है 8.6mm, इसमें कोई भी रेटिंग नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर इन दोनों फ़ोन में IP54 की रेटिंग इस फ़ोन में हमें मिलता है स्पार्क गो 1 में, जो कि अच्छी बात है और 2024 में कोई भी रेटिंग नहीं मिलती, तो फिर यहाँ पर रेटिंग के मामले में स्पार्क गो 1 ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों फ़ोन को ओपन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों फ़ोन ओपन हो चुके हैं। दोनों फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड ऐप है। दोनों फ़ोन में पंच होल कैमरा मिल जाता है सामने में। दोनों फ़ोन का जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो कुछ इस प्रकार से है, लेकिन ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है गो 1 का, क्योंकि इसका जो शेप है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जानते हैं दोनों फ़ोन की फीचर्स को, तो पहले देखते हैं गो 1 के बारे में। तो गो 1 में हमें मिल जाता है एंड्रॉइड वर्जन 14 का अपडेट। 5000mAh की बैटरी के साथ आपको 10W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है इसमें। और मिल जाता है डुअल स्पीकर, ऊपर नीचे दोनों स्पीकर रहेंगे। साइड फिंगरप्रिंट रहेगा इसमें। और इस फ़ोन में हम 4GB तक एक्सटेंडेड कर सकते हैं और इसके साथ ही इसमें हमें और इस फोन के साथ हमें प्रोसेसर मिलता है यूनिसॉक T615 जो कि 12nm का रहेगा। देखें हम इस स्पार्क को 2024 के फीचर्स को, तो फिर इसमें हमें मिलता है 5000mAh की बैटरी, 10W का चार्जिंग सपोर्ट, साइड फिंगरप्रिंट, डुअल स्पीकर मिल जाएगा इसमें भी और इसका जो प्रोसेसर है वो है यूनिसॉक T606 जो कि 12nm का रहेगा, यानी कि इसका जो प्रोसेसर है इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, लगभग सेम ही मान सकते हैं हम इसमें। और इसमें हमें मिलता है एंड्रॉयड वर्जन 13 का अपडेट, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड वर्जन 14 का अपडेट और इस फ़ोन में आपको मिलता है एंड्रॉयड वर्जन 13 का अपडेट, जो कि बहुत ही बड़ा वन जनरेशन का गैप हो जाता है इन दोनों के बीच। तो इन दोनों फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में जानते हैं। तो फिर गो 1 का जो डिस्प्ले साइज़ है वो है 6.67 इंच का 120Hz वाला IPS LCD डिस्प्ले। इस फोन का जो रिजोल्यूशन है वो 720x1600 पिक्सल का है, जो कि 263 PPI डेंसिटी में हमें मिल रहा है। वहीं पर अगर हम देखें टेक्नो स्पार्क को 2024 की डिस्प्ले की साइज को, 6.6 इंच वाला IPS LCD डिस्प्ले जिसमें हमें 84.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, इसका जो रिजोल्यूशन है वो है 720x1612 का। इस फोन का जो रिजोल्यूशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इस फोन के मुकाबले में। अभी वाला फोन स्पार्क को 2024, इन दोनों फ़ोन का जो
स्क्रीन है वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। लगभग हम एक समान मान सकते हैं इन दोनों फ़ोन के डिस्प्ले की साइज़ को, डिस्प्ले की क्वालिटी को, क्योंकि दोनों फ़ोन का जो साइज़ है, जो क्वालिटी है, जो रिजोल्यूशन है, वो बिल्कुल एक जैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। दोनों फ़ोन में डुअल स्पीकर है, दोनों फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो लगभग एक ही समान का है, दोनों फ़ोन में डिस्प्ले साइज़ भी लगभग एक ही समान का है। तो हम इन दोनों गेमिंग हम करते हैं तो हमें एक समान फील होगा, डुअल स्पीकर है, ओवरऑल हम गेमिंग इसमें अच्छे से कर सकते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और टेक्नो का जो डिस्प्ले क्वालिटी रहता है वो इस बजट पे काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे इन दोनों फ़ोन का डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पंच होल कैमरा है दोनों में और पंच होल कैमरा वाला जो डिस्प्ले होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों फ़ोन का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेस्ट है। इस प्राइस रेंज में ऐसा डिस्प्ले हमें और दूसरी कंपनी में शायद ही मिल पाता है। तो ओवरऑल इन दोनों फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है और इसके डिस्प्ले के साथ में पंच होल कैमरा भी दिया है और साथ में आपको मिलता है डुअल स्पीकर, जिससे कि अगर आप मूवी देखते हो तो फिर काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी आपको अच्छा फील होगा। तो ओवरऑल दोस्तों वैसे इन दोनों फ़ोन का जो कैमरा क्वालिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों फ़ोन का जो कैमरा सेटअप है वो काफ़ी अलग है। ये वाला गोवन का जो कैमरा सेटअप है वो आईफोन 15 जैसा है और वो टेक्नो स्पार्क गो 2024 का जो लुक है वो आईफोन 15 प्रो की जैसे हमें देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों फ़ोन में हमें कैमरा कैसा रहता है उसको देखते हैं। तो फिर सबसे पहले टेक्नो स्पार्क गो वन में हम देखें तो इसमें हमें मिलता है 13 MP का मेन कैमरा और वहीं पर अगर हम टेक्नो स्पार्क 2024 को कैमरा को अगर देखें तो इसके रियर कैमरा में मिलता है 13 MP का मेन कैमरा और 0.08 MP का एक्वालिटी लेंस मिल जाता है। और दोनों फ़ोन का अगर फ्रंट कैमरा अगर हम देखें तो दोनों ही फ़ोन में 5.8 MP का है। तो चलिए इन दोनों ही फ़ोन में पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, ब्यूटी मोड भी है, AI कैमरा दोनों में दिया गया है, वीडियो का ऑप्शन भी है, शॉर्ट वीडियो भी है। दोनों ही फ़ोन में 4x की जूमिंग मिल जाती है और अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर सुपर नाइट का ऑप्शन मिलता है टेक्नो स्पार्क 2024 में और यहाँ पर हमें मिलता है और मोर ऑप्शन, जैसे कि सुपर नाइट तो यहाँ पर मिलता ही है, साथ ही आपको डुअल भी वीडियो भी मिलेगा, टाइम लैप्स भी मिलेगा, पानोरोमा, AR शॉट प्रो। तो ये सारे लेंस आपको टेक्नो स्पार्क गो वन में मिलता है, यानी कि आपको इसका जो फीचर है कैमरे का वो ज़्यादा अच्छा मिलता है इस फ़ोन में, टेक्नो स्पार्क गो वन में। तो चलिए इन दोनों फ़ोन में हम फोटोज़ वगैरह लेकर के देखते हैं कि दोनों फ़ोन का जो कैमरा है वो कैसा फ़ोटो लेता है। तो देखते हैं दोनों फ़ोन का जो लेंसेस है वो तो एक समान ही है, लेकिन इसका फ़ोटो कैसा आता है उसको हम देख लेते हैं दिखने। दोस्तों वैसे इन दोनों फ़ोन में मैंने यहाँ पर फ़ोटो लिए हुए हैं, दोनों फ़ोन का जो कैमरा है वो लगभग एक ही समान है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों फ़ोन लगभग एक ही समान का कैमरा यहाँ पर कैप्चर करता है। बट थोड़ा सा अगर हम फ्रंट कैमरा देखें तो फिर फ्रंट कैमरा जो है वो गो वन का ज़्यादा अच्छा नज़र आया मुझे, हालांकि दोनों फ़ोन का जो मेगापिक्सल है वो लेकिन इन दोनों फ़ोन का जो सामने कैमरा रहा वो टेक्नो गो वन का ज़्यादा अच्छा से रहा। तो ओवरऑल इन दोनों फ़ोन का जो कैमरा है वो तो एवरेज है ही, लेकिन इन दोनों फ़ोन में बेस्ट कैमरा अगर हम देखें तो गो वन का कैमरा मुझे नज़र आया है। दोस्तों वैसे इन दोनों फ़ोन की मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो फिर टेक्नो स्पार्क गो वन का जो प्राइस है वो है 7,299 रुपये और इसमें मिलता है 4GB 64GB का वेरियंट। और वहीं पर टेक्नो स्पार्क 2024 की अगर मैं बात करूँ तो फिर ये मिलता है 3GB 64GB का रैम रोम के साथ और इसकी जो प्राइस है वो है 7,500 रुपये। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोनों फ़ोन की वैल्यू फॉर मनी की या फिर इन दोनों फ़ोन में से हमें कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए तो फिर मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप टेक्नो स्पार्क गो वन खरीदें, क्योंकि ये वाला जो फ़ोन है वो लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड्रॉयड वर्जन 14 में है ये वाला और ये वाला जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड वर्जन 13 में है। तो अगर आप टेक्नो का फ़ोन खरीदना चाहते हो 7,500 रुपये के बजट में तो आप ये वाला फ़ोन खरीद लें, क्योंकि ये वाला आपको सस्ता भी पड़ेगा, 7,300 रुपये पड़ेगा और इस फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छे फीचर भी मिल जाते हैं। कैमरा जैसे कि कैमरा आपको अच्छा मिल जाता है इसमें और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये सारे फीचर है दोस्तों इसके। तो फिर आपको मैं सजेशन करूँगा कि आप स्पार्क गो वन खरीदें, स्पार्क गो 2024 आप ना खरीदें, क्योंकि 2 महीने बाद इसका नया मॉडल आने वाला है स्पार्क गो 2025। तो आप इसको ना खरीदें, आप इस वाले फ़ोन खरीदें जो कि लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ है। मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी रहेगा टेक्नो स्पार्क गो वन, जो कि काफ़ी नया लॉन्च हुआ है अभी और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल इसका सारे फीचर मुझे अच्छा लगा। तो ये रहा दोस्तों आज का मेरा दोनों का कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ।